सो इट्स 4:45 अप्रॉक्स एंड वी आर फाइनली इन द जिम। और भाई एक अच्छी बात हो चुकी है, हमारी जिम में 3 AC हैं, तीसरा AC मतलब ये है तो ये चल नहीं रहा था। और आज हमारा लेग डे है और हमको इधर ही एक्सरसाइज करनी है, तो आज से ही ये AC चलना स्टार्ट हुआ है। बाकी के 2 AC तो डेली चल ही रहे थे, तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और भाई यही फ़ायदा है सुबह आने का, देखो पूरी जिम खाली मिलती है। तो भाई यहाँ पे अभी AC ने कूलिंग नहीं करी और यहाँ पे कोई फ़ैन भी नहीं है, पसीने आ जाते हैं। तो भाई ये होने वाली है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हैक स्क्वाट्स। तो इसमें भाई जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना लगभग 4-5 महीने पहले, तो मैं लेता था 30-30 की प्लेट्स, मतलब कि 60 kg टोटल वेट लेता था, उससे मैंने स्टार्टिंग करी थी। और आज मैं ट्राई करने वाला हूँ 100 kg। तो रैप रेंज हमारी रहेगी 10 से 12, अगर 10 रैप भी आ जाते हैं बहुत है, 12, 15, 17 वो नहीं जाएंगे हम इसमें, मतलब 12 के आसपास, 12-13 पे फेलियर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये इसका हमारा पहला वर्किंग सेट होने वाला है, 10-10 लगा के एक वार्म अप सेट ले लिया था मैंने, तो देखते हैं भाई। जय श्री राम, लेट्स गो। बारह भाई लेग डे मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टार्टिंग के इनिशियल इयर्स में मैंने कभी भी लेग को ट्रेन नहीं किया, लेकिन इस साल मेरे को ऐसा चस्का चढ़ा है ना, हफ्ते में मैं 2 दिन लेग्स ले रहा हूँ, और कटिंग के टाइम पे भी मेरे को अपने लेग्स में इंप्रूवमेंट शो हुई। तो इस साल का मेरा लास्ट के 6 महीने बचे हैं ना, ये टारगेट है लेग स्कोप करना है भाई। लेग्स में अब इतना मजा आने लग गया, बाकी कोई दिन मिस हो जाए लेग डे मिस नहीं करता मैं। सो भाई पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई स्क्वाट्स, उसमें 3 सेट लिए हमने 10 से 12 रैप के। तो अभी ये होने वाली है हमारी दूसरी एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें हमारी रैप रेंज रहेगी वही 12 से 15 के बीच में, अगर 15 पे फेलियर नहीं आ रहा 16, 17, 18 तक जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 15 पे ही आपको स्टॉप करना है। तो इसके भी 3 सेट होने वाले हैं, सेम वेट से लेंगे, स्ट्रेट सेट्स बोलते हैं इसे, और तीनों में हम एम करेंगे 15, मतलब 14-15 के आसपास हमारा फेलियर आ जाए। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेट, लेट्स गो। एक, दो, तीन, चार, पांच, ओ भाई भाई ये एक्सरसाइज जो बर्न देती है ना, कोई टक्कर ही नहीं है इस एक्सरसाइज की। अगर आप कंट्रोल्ड रैप्स ले रहे हो ना, एकदम माइंड मसल कनेक्शन इतना तगड़ा आता है ना, नेक्स्ट लेवल। और भाई परसों हमारा पुश डे था, तो उसमें हमने चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर ली थी। यूजुअली हम ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज कर रहे थे, और इस बार हमने स्कल क्रशर ऐड कर दी ट्राइसेप्स में। तो भाई उसकी वजह से अभी जैसे अभी मैं ग्रिप भी कर रहा हूँ ना, ट्राइसेप्स में सोरनेस आती है। तो मतलब मसल को कोई भी जब भी नया स्टिमुलस मिलता है ना, तो मतलब उसको शौक लगता है, तो ऐसे आपको सोरनेस आ सकती है। मान लो आप कितने भी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो, आप ट्रेनिंग में कुछ भी चेंज कर रहे हो ना, मान लो किसी एक्सरसाइज के सेट्स बढ़ा दिए, कोई नई एक्सरसाइज ऐड कर दी, तो उसको नया स्टिमुलस मिलता है, मसल शौक होती है, तो सोरनेस आ सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई अब हम करने वाले हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज, ये होने वाली है हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें भी भाई रैप हमारे 3 मतलब वही रहेंगे, 10 मतलब 12 से 15 के बीच में रखेंगे इसमें, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी लेना है, रैप्स इसमें ठीक ठाक रखने हैं, 14, 15, 17 तक भी जा सकते हैं अगर फेलियर नहीं आ रहा। और 3 सेट्स रहेंगे वही हमारे, 3 वर्किंग सेट्स। तो ये पहला वर्किंग सेट होने वाला है हमारा। भाई हर एक्सरसाइज में प्रोग्रेस हो रही है, और इस एक्सरसाइज में 3-4 महीने से सेम ही वेट है, इससे ऊपर वेट जा ही नहीं रहा।
भाई इसमें भी माइंड मसल कनेक्शन इतना तगड़ा आता है ना, 14 रेप्स पे एक्सट्रीम फेलियर आ गया। ये होने वाली है हमारी लेग्स की फोर्थ एक्सरसाइज, ये है हमारे काव्स के लिए, काव रेजेस, सीटेड काव रेजेस। अगर आपके जिम में ये मशीन है तो ये यूज़ करते कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडिंग काव रेज भी कर सकते हैं। तो इसके हम 3 वर्किंग सेट लेंगे और इसमें रेप रेंज रहेगी 15 से 20। तो ये हमारा पहला वर्किंग सेट होने वाला है, ठीक है। तो ये होने वाली है हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज ग्लूट्स के लिए, तो ग्लूट ब्रिज करेंगे भाई। इसके भी 3 सेट्स होंगे और इसमें 10, 8, 8 से लेकर 12 के बीच में रैप रेंज रहेगी, 3 वर्किंग सेट होंगे। सो भाई ये हमारा थर्ड सेट होने वाला है, वैसे 2 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें मेरे आए थे 12 12 रैप, सब तीसरा सेट है ये वाला।